हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एकेडमी 24x7 के सेशन में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जीके वन लाइनर के तहत ये वीडियो। इससे जीके वन लाइनर से रिलेटेड है, यानी कि आपका जो एसएससी जीडी या रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें से क्या है, जीके वन लाइनर आपको बहुत ही मदद करने वाली और हेल्पफुल करने वाली है। और ये सीरीज़ का पार्ट फोर्थ है, तो अभी तक अगर आपने पार्ट 1, 2 और 3 नहीं देखा है ज़रूर से जाकर उसको देख लें, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके और आप कोई भी प्रश्न मिस ना कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये जीके वन लाइनर का वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आता है ज़रूर से इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो चलिए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके वन लाइनर के। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। तो किसका उदाहरण होता है, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। एनजीओ स्पर्म के किस कुल से गन्ना संबद्ध है। तो किससे संबद्ध है, ग्रेमिनेशी से संबद्ध है। ऋग्वेद में दीर्घकालीन या आजीवन अविवाहित कन्या को क्या कहा गया है। तो क्या कहा गया है, अमाजू कहा गया है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, एम्स्टर्डम में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो कौन सा है, तिब्बत का पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेन वान सेंचुरी माय टॉप 100 टेस्ट क्रिकेटर्स किसकी लिखी पुस्तक है। तो किसकी है, सेन वान की, जैसा कि आपको क्वेश्चन से ही पता चल गया होगा सेन वान यहाँ पर नाम में पहले ही दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली कृषि जनगणना किस वित्तीय वर्ष में शुरू हुई थी या हुई थी। तो 1972 to 1971 में आपकी कृषि जनगणना शुरू हुई थी। चलिए नेक्स्ट कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए उपयुक्त है। तो किसके लिए उपयुक्त है, अनार्यों के लिए, मतलब जो आर्य नहीं थे। अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई, तो कब की गई, 1979 में की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक आदमी 5 kg का एक सूटकेस पकड़े है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो कुछ क्या वो काम कर रहा है, नहीं वो कोई काम कर नहीं कर रहा, केवल वो वजन को उठाए हुए है, तो क्या शून्य कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राष्ट्रपति यह चाहता है कि किसी बात पर मंत्रिपरिषद विचार करे तो वह इसकी सूचना किसे देता है, किसे देता है, पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गैस का अणु भार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है। तो कितना होता है, 2 गुना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपत ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है। तो किसे, अथर्व वेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई, तो कब की गई, 1947 में की गई। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। कोटोपैक्सी पर्वत किस देश में स्थित है, इक्वाडोर में। और हम मैं बता दूँ, अगर आपको जैसे पर्वत हैं या किसी देश का आपको आसानी से याद रखना है तो आप मैप का यूज़ करें, जिससे कि आप आसानी से इन सब चीज़ों को या स्थानों को आसानी से याद कर सकें, क्योंकि उन जगहों की आपके दिमाग में इमेज बन जाएगी जिससे कि आप उसको आसानी से याद रख सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कोच की जीवों का अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया। तो किसने किया, ल्यूवेन हॉक ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केवल किसके प्रयोग के लिए भुगतान को आर्थिक लगान कहते हैं। तो भूमि के प्रयोग के एवज में हमें क्या है, लगान चुकानी पड़ती है, तो उसे ही क्या आर्थिक लगान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश के राज दरबार में किस इतिहासकार को संरक्षण मिला। तो किसे मिला, मिन्हाज उस सिराज को इल्तुतमिश के दरबार में संरक्षण मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है, जिनेवा। और जिनेवा कहाँ है आपका, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेब का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है, पुष्पाशन यानी कि जो गूदेदार हम लोग जो भाग खाते हैं वो क्या है, वो पुष्पाशन ही है। और सेब क्या है, एक असत्य फल का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे, गुलजारी लाल नंदा और दूसरे भी यही थे, यानी कि 2 बार ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ और कब खोली। तो कहाँ खोली थी, मसूलीपट्टनम 1611 में, लेकिन अस्थाई नहीं थी,
ये स्थाई नहीं थे, जो स्थाई फैक्ट्री कहाँ सूरत में खोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नील विद्रोह का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियार्क के संपादक कौन थे, तो कौन थे, हरीश चंद्र मुखर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है, तो कौन सा है, सियाचिन क्षेत्र। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 26 जुलाई को हमारा क्या कारगिल दिवस मनाया जाता है, जो कि अभी हाल ही में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ है, तो किसके हलचल के दौरान, अल्पाइन हलचल के दौरान हुआ है। और ये मैं सब आपको जियोग्राफी के तहत आपको अच्छे से समझाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था, तो किसके, कौन था उस समय गवर्नर जनरल, लॉर्ड वेले जली। हरित क्रांति का प्रभाव किस फसल के, किस तरह के फसलों पर नगण्य या अत्यंत कम रहा, किस पर, मोटे अनाजों पर, ज़्यादातर गेहूं और धान की फसलों पर अधिक प्रभाव रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पांड शासकों की राजधानी कहाँ थी, मदुरई, कहाँ थी, मदुरई। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। अगर आप नए हैं चैनल में तो इसको सब्सक्राइब करना भी मत भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी में चाबी भरने से कौन सी ऊर्जा संचित होती है, तो कौन सी होती है, स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके निधन के पश्चात गुलजारी लाल नंदा को पहली बार प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे जब गुलजारी लाल नंदा, जैसे कि अभी हमने ऊपर के क्वेश्चन में डिस्कस किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण की दर का अनुपात क्या है, 1:4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन मतावलंबियों ने बोलचाल की किस भाषा को अपनाया, प्राकृत भाषा को अपनाया, यानी अर्ध मागधी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नागालैंड दिवस कब मनाया जाता है, 1 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है, तो रॉकी पर्वत महा जल विभाजक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेन झाओ सेकंड एंड सेन झाओ फोर्थ किस देश के मानव रहित अंतरिक्ष यान हैं, तो किसके हैं, चीन के या चाइना के हैं। चलिए देख लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, किसे, एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। दीन बंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना 1844 ईस्वी में किसने की, तो किसने की, ज्योतिबा फूले ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को, क्यों, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को प्रधान जो हमारे राष्ट्रपिता हैं यानी कि महात्मा गांधी, वो दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, इनके याद में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो ये था आज का कुछ इंपॉर्टेंट GK वन लाइनर का वीडियो, जो आपके SSC GD और Railway D के लिए, Group D के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसको बिल्कुल भी मिस मत करें। और अगर आपने अभी तक पहले के तीनों वीडियो, मतलब इसको मिलाकर 4 वीडियो हो गए टोटल, नहीं देखें तो ज़रूर से जाकर उसको देख लें, जिससे कि आपकी तैयारी एक अच्छे लेवल पर हो सके और आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। तो आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।